अगली खबर दिनेशपुर से है। निकटवर्ती ग्रामीण के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। घर वालों ने बड़ी मुश्किल अपनी जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीण ने अपने दामाद के खिलाफ घर में आग लगाने की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आपको बताते चले कि नगर के निकटवर्ती ग्राम बसंतीपुर निवासी अजीत मुखर्जी ने सोमवार को थाने में तहरीर देकर कहा कि रविवार की मध्य रात्रि उसके घर में आग लग गई, जिसमें घर का कीमती सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का विवाह 9 वर्ष पूर्व पीलीभीत जिले के जोशी कॉलोनी में हुआ था। विवाह के उपरांत पति द्वारा प्रताड़ना के चलते उनकी पुत्री ने दिनेशपुर थाने में पति के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसका कार्ड महिला हेल्पलाइन में चल रहा है। उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद जोशी कॉलोनी निवासी दामाद ने पड़ोसी को फोन कर आग लगने की सूचना दी, जिस पर दामाद पर उन्हें शक हुआ और अजीत मुखर्जी ने दामाद के खिलाफ आगजनी की शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले को आरोपी द्वारा दबाया जा रहा है। उधर मामले में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि अभी हम ये पता कर रहे हैं कि जो आग लगी है किन कारणों से लगी है, और जो भी व्यक्ति इसमें युक्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आग लगने का कारण आपका पति ने आप लोगों को जिंदा मारना चाह रहे थे? हाँ, वो जिंदा मारना चाहते थे मेरे पति ने, और मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इन लोगों को सख्त कार्रवाई करिए और उनका सजा दीजिए। मैं यही चाहती हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों से और एक निवेदन है, बस मेरे बच्चे हैं 8 साल के, वो लड़के मुझे चाहिए, नहीं तो वो मेरे लड़की को तो मुझे और मेरी लड़की को तो जला सकता है, मेरे लड़के को भी वो खत्म करना चाहता है। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो आप मुझे लड़के को ला दीजिए। लड़के उन लोगों के पास है, वो दरिंदे लोग मुझे वो लड़के को भी मार देंगे। आप लोगों से निवेदन है मेरे लड़के। पुलिस ने यहाँ पर आई, पुलिस का क्या कहना, पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने मेरे से पूछताछ किया, मैंने जो जो घटना हुआ सब उनके बारे में बोला, फिर उन्होंने बोला 12 बजे आप लोग आ जाओ। बस मुझे ही बुलाया और प्रधान जी को बुलाया और किसी को नहीं बुलाया। पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, मुझे नहीं पता। रात की घटना है, जब सारी चीज़ें जब एसओ साहब के सामने आई तो एसओ साहब ने कहा था कि अभी इनका रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे लगभग रात के 9 बजे तक रुके। वो 9 बजे तक रुकने के उपरांत वहाँ पे एसओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उन्होंने आज सुबह लगभग 10 बजे के करीबन यहाँ पर आके जाँच करके गया, और फिर 12 बजे मेरे को और दीपिका जो वादी है उनको बुला के वहाँ पूछताछ के लिए बुला रखा है। कह रहे कि जाँच करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए, कल हमें इनकी सूचना मिली, इनके द्वारा थाने में सूचना दी गई है, क्योंकि ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ के आपस में डिस्प्यूट से संबंधित था। इसमें हमारे द्वारा इंक्वायरी पुट अप की जा रही है। मैंने साइड भी देख के आया हूँ। मैं अभी कल जब हमें इन्फॉर्म किया गया था उस समय भी हमारे यहाँ से ऑफिसर गए थे। अभी हम उसकी जाँच कर रहे हैं कि आग के जो कारण हैं, किन कारणों से आग लगी। अगर उसमें ये पाया जाता है कि ये आग लगाई गई है तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। जो जो भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उसके विरुद्ध हम अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेजेंगे। स्थानीय लोग परिजन का ये आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को ऑफर भी किया कि मैं मोटा रकम दूंगा, मुझे बताया, उन्होंने हेल्प नहीं लगाया। वही आरोप जो लगा है, आरोपी की तो जाँच हो रही है, आरोपी की तो जाँच की जाएगी अब, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कि इसलिए तो जांच होगी कि वो आरोप में क्या सच्चाई है। अगर अभी हम सब कुछ में काम कर रहे हैं, अभी हम सर्विलांस का भी यूज करेंगे, सभी चीज़ जो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करके जो भी अगर उनके द्वारा ये कृत्य किया गया हो जिन पर आरोप लगा रहे हैं, तो 100% उसके विरुद्ध कार्रवाई। अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं।